हरे कृष्ण जी तो बहुत समय तक वृंदावन में ही रहे बचपन से, और पूज्य डी आर स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज से उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तो वृंदावन में रहे तो वृंदावन के संस्कार, ब्रजरस से प्रेम। तो एक बार राधाष्टमी के अवसर पर वे मस्तराम बाबा के पास बैठे थे, तो बाबा तो मौन और शांत अपनी स्थिति में रहते थे, बाबा बैठे थे। तो हरे कृष्ण साहब जी ने कहा कि बाबा आज हमें ब्रज की बहुत याद आ रही है, आज राधाष्टमी है, राधा रानी के प्राकट्य की तिथि, हमारे ब्रज में बड़ा महोत्सव होता है राधाष्टमी का। तो बोले सुनाओ, वीणा बजाकर कुछ सुनाओ, राधा रानी के गुणगान सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि क्या सुना, मैं हमको याद नहीं, कोई स्मृति में नहीं, मैंने कोई पद वगैरह कंठस्थ नहीं, क्या सब तो लोग मोबाइल दबा के उसमें से निकाल लेते हैं, उस समय तो मोबाइल भी नहीं चलते थे। तो बाबा तो भाव में ही डूबे रहते थे, बाबा ने तत्काल स्लेट पर ही प्रगट भई राधिका इसको उन्होंने लिखा। ऐसे नहीं लिखा कि जैसे कोई कवि सोच सोच करके लिखते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसे नहीं, लिखते ही चले गए। इसको कहते हैं वाणी, क्योंकि जो भाव आया वो सामने प्रकट हो गया, वो लिख रहे हैं। तो यदि वो हम उपलब्ध हो जाएगा तो हमने लिख लिया था वो, तो हम सुनाएंगे उसको, जरूर सुनाएंगे। ये सब विनय पत्रिका की कथा समझना, इसको अलग नहीं समझना, ये सब विनय पत्रिका ही है। इतना प्यारा है, क्या कहना। अब इससे आपको उस अनुभव में आ जाएगा कि उनका अंतःकरण कैसा था, राधा रानी के प्रति श्री मस्तराम बाबा का अनुराग कैसा था, ये आपको समझ में आ जाएगा। प्रगट भैराधिका, प्रगट भैराधिका, प्रगट भैराधिका, प्रगट प्रगट भैराधिका,
कामधेनु दुग्ध सी कामधेनु दुग्ध सी भावमयी मुग्ध सी स्पष्ट है विरह विलासिनी विरह विलासिनी वृंदावन वासिनी वृंदावन वासिनी वृंदावन वासिनी वृंदावन वासिनी कृष्ण चंद्र चंद्रिका कृष्ण चंद्र चंद्रिका कृष्ण चंद्र चंद्रिका कृष्ण चंद्र चंद्रिका उदित भैराधिका उदित उदित भैराधिका
प्रगट भैरा के संस्मरण को सुनाते जब भी हम कई बार सुना उनके मुंह से मैं, और जब कहते बाबा की वो घटना सुनाओ, मन थोड़ी भरता एक बार सुनने और सुनाओ और सुनाओ, कहते हमने जीवन में पता नहीं कितनी बार गाया बजाया, लेकिन जो उस समय बाबा ने सद्या लिख करके हमने, और कोई वहां तबला वाला नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, रात का समय सन्नाटा छा रहा, केवल गंगा जी की कलकल ध्वनि बस और कुछ नहीं, और उस समय जो इसको हमने वीणा पर गाया तो ऐसा नहीं लगा कि हम गा रहे हैं, प्रगट भैराधिका, ऐसे लगा मानो बाबा की कुटिया में राधिका प्रगट हो गई, वातावरण ही रसमय हो गया, चिन्मय हो गया, दिव्य हो गया। ऐसे परम पूज्य श्री मस्तराम बाबा के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं उनकी तिरुभाव तिथि पर।